चार दशकों से भी ज्यादा अस्थाई व छप्परों के नीचे बैठने वाले डीड राइटर यानी विलेख लिखने वालों के लिए खुशखबरी है। प्रशासन की ओर से करनाल के लघु सचिवालय परिसर में बैठने की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। आपको बता दें कि करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने नवनिर्मित 33 चैंबरों का विधिवत उद्घाटन किया है। उन्होंने उपस्थित डीड राइटर व वसीका नवीसों को नई जगह की बधाई दी और कहा कि उनकी जो भी जायज मांगे हैं उनका जल्द ही निराकरण किया जाएगा। इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा कि डीड राइटरों का एक महत्वपूर्ण काम है तथा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रशासन के सहयोगी रहते हैं। एक माकूल जगह पर बैठकर काम करने के लिए इनकी मांग वर्षों पुरानी थी जो स्वीकृत कर ली गई है और आज इस जगह पर बहुत ही उम्दा चैंबरों का निर्माण किया जाना अच्छी बात है। इस अवसर पर डीड राइटर एसोसिएशन के प्रधान दिनेश कुमार ने उपायुक्त व अन्य अधिकारियों का स्वागत किया और चैंबरों की जगह अलॉट करने के लिए उपायुक्त को साधुवाद दिया। एसोसिएशन की ओर से योगेंद्र कौशिक ने कुछ मांगे प्रस्तुत की, जिनमें चैंबर परिसर में इंटरलॉकिंग टाइलें लगाना, जनता के बैठने के लिए सीसी बेंचों की व्यवस्था करना एवं महिला एवं पुरुषों के लिए शौचालयों का निर्माण, कोर्ट साइड से रास्ता देना, सुरक्षा की दृष्टि से परिसर में रोशनी की व्यवस्था तथा चैंबरों के पीछे लगती दीवार पर कंटीली तारे लगाना शामिल था। बताते चले कि करनाल में करीब चार दशक से भी ज्यादा डीड राइटर अस्थायी रूप से छप्पर बनाकर डीड लिखने का काम करते रहे हैं। करीब 20 साल शहर की पुरानी तहसील में और इतनी ही अवधि में सचिवालय परिसर में काम करते रहे। अब उनको बैठने के लिए जगह उपलब्ध करवाए जाने के लिए चैंबर बनाए गए हैं। इससे सचिवालय परिसर का सौंदर्यकरण भी बढ़ा है। इस अवसर पर डीड राइटर वरेंद्र बख्शी, केवल कृष्ण, देवेंद्र पोपली, नरेश कुमार, रमेश गुलाटी, ठाकुर पान सिंह व अरुण कुमार सहित अनेक डीड राइटर मौजूद थे। उपायुक्त श्री निशांत कुमार जी यादव, डीआरओ सुरेश कुमार जी, हमारे डीड राइटर जी आज यहाँ चैंबरों के उद्घाटन के लिए डिस्सा बायन का मैं स्वागत करता हूँ। जो इनकी डिमांड थी काफ़ी वर्षों से थी, जो हमारे उपायुक्त महोदय ने ही इनको मंजूर करके चैंबरों के लिए मंजूरी दी है, तो बहुत बहुत इनकी तरफ से, डीड राइटर की तरफ से आपका धन्यवाद। और जो डीड राइटर्स हैं बहुत कम जगह पे मिलते हैं, ज़्यादातर हमारे एडवोकेट ही दृष्टि लिखते हैं, लेकिन जो ये जिम्मेवारी समझते हैं वो मेरे ख्याल में वो नहीं ज़्यादा समझते, क्योंकि उनके पास कार्य ज़्यादा होता है। तो इनकी जो भी रजिस्ट्री वगैरह लिखी आती है बिल्कुल सही आती है, आज तक कोई ऐसा कोई नहीं हुआ है कि कोई भी यहाँ पर करनाल में तो खास करके कोई फेक काम हुआ। तो बाकी जोगिंदर जी भट्ट जी ने जो डिमांड दी है, हम भी डिस्सा को रिक्वेस्ट करते हैं कि इनकी डिमांड को पूरा करें। धन्यवाद। लोग भी एक अच्छा इंप्रेशन लेके जाएंगे कि सरकारी दफ्तर साफ सुथरे तरीके से होते हैं, डीड्स वगैरह काम पारदर्शी तरीके से, अच्छे तरीके से, ईमानदारी से किया जाता है। इनकी कुछ मांगे थी, जैसे कि इंटरलॉकिंग पेवर ब्लॉक्स लगाए जाने थे, कच्ची जगह पे लोगों के बैठने के लिए बेंचेस लगाई जानी थी, लाइट्स का रात्रि में अंधेरा रहता है उसके लिए लाइट्स का इंतज़ाम किया जाना था, टॉयलेट्स नहीं है यहाँ पे, टॉयलेट्स की रिक्वायरमेंट थी। ये सारी चार पांच मांगे हमने इनकी मानी है और कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में जल्द से जल्द इन मांगों को पूरा करें, ताकि जो भी लोग तहसील में या सेक्रेटरीट में अपना काम लेकर के आएँ उनको किसी भी तरह की असुविधा ना हो। जैसे आप पहले 3x5 जोन बनाने की बात थी इस जगह पे, बिल्कुल ये भी मेरे संज्ञान में आया है और इस पे भी हम आगे कार्रवाई करेंगे। लोगों को फ्री वाईफाई सुविधा दी जाए इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसका भी हम तुरंत इसको टेकअप करेंगे। जो नया रिपोर्ट सार्वजनिक किया है, जो ढोल से आपने बना नक्शा बना पूरे शहर के, पूरे जिले के, उसमें क्या मतलब सुविधा है उसमें? अभी जो कार्य है वो प्रगति पे है, ड्रोन फ्लाइंग हमने कर ली है, अब जब उसके नक्शे बन जाएंगे तो लोगों को आपत्तियों के लिए प्रकाशित किया जाएगा और फिर जब लोगों को आपत्तियां जिस किसी को होंगी तो उन आपत्तियों को रिजोल्व करने के बाद जो है वो नक्शा फाइनलाइज कर दिया जाएगा। उसके आधार पे जो भी लोग लाल डोरे के अंदर रहते हैं या शहर के एरिया के अंदर रहते हैं वो अपने प्रॉपर्टी के टाइटल डीड जो है वो तहसील से प्राप्त कर सकते हैं, ताकि उनको आगे प्रॉपर्टी बेचने में या उस पर मॉर्गेज लेने में किसी तरह की असुविधा ना हो। परिवार पहचान पत्र का काम बड़े जोरों से चल रहा है, तो कोई बढ़ेगी 31 के बाद या बढ़ेगी? जी बिल्कुल, परिवार पहचान पत्र का कार्य काफ़ी ज़ोरों पे है। ज़िले में लगभग 72-73% के करीब जो कार्ड हैं वो अपडेट भी हो गए हैं और जल्द ही सारी सुविधाएं परिवार पहचान पत्र पे लिंक कर दी जाएंगी। ठीक है, एक और
सवाल जो करंट लेक के सुंदरीकरण की बात की जा रही है सर, इसके बारे में आगामी बैठक कब तक होने का? करंट लेक में हमने टूरिज्म डिपार्टमेंट से सैद्धांतिक रूप से सहमति मिल गई है, जो हमने प्रपोजल दिया था। अब हमने लिखित में प्रपोजल उनको सबमिट किया है, उनकी तरफ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आते ही वहाँ पे काम शुरू करा दिया जाएगा। इसके टेंडर के बनाने की प्रक्रिया चालू है और उसको जल्दी हम टेंडर भी फ्लोट कर देंगे। अभी नया अशोक स्तंभ का काम शुरू किया आपने केजीएमसी ने? जी, इसमें जी लगभग 100 फीट ऊँचा अशोक स्तंभ जो है, हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है, प्रतीक है, उसको बनाने की प्लान है और उसके लिए भी टेंडर बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ओएसिस लेक के सामने टूरिज्म डिपार्टमेंट की 4 एकड़ की जगह नेशनल हाईवे पे ही लोकेटेड है, वहाँ पे इसको बनाने का प्रस्ताव है। जैसे स्मार्ट रोड पे अभी धूल मतलब काफ़ी है, बजरी फैली हुई है, कई एक्सीडेंट हुए, कल भी वहाँ गया था तो काफ़ी लोगों को देखा। वहाँ पे कल्चरल कॉरिडोर का कार्य प्रगति पे है, कोशिश करेंगे कि आने वाले 1 महीने में वो कार्य हम समाप्त करा दें। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.